ये है वक्त मीडिया। उत्तराखंड के शहर रुड़की के आईआईटी में थीम मेकर प्रोडक्शन ने 14 अगस्त 2017 को ऑर्गेनाइज किया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कवि सम्मेलन मुशायरा। इस इवेंट के फाउंडर रहे राजीव भटनागर, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर रहे नौजवान शायर और अब्बास कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अल्तमश अब्बास। अल्तमश अब्बास आजकल अपनी शायरी से मुशायरे की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे रुड़की के लोकप्रिय एमएलए श्री प्रदीप बत्रा जी और इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे साहित्य प्रेमी उज्जैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर श्री चिंतामणि मालवीय जी। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के शासन प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जनाब अल्तमश अब्बास की ये कोशिश मध्य प्रदेश से भाई चिंतामणि प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी, एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स, एक मनीषी और हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच हैं। ये वो कविता और शायरी से उनकी मोहब्बत की दलील है कि वो सपत्नीक यहाँ आए हुए हैं। जो लोग सपत्नीक कहीं जाते हैं उन्हें मन की बात करने के लिए रेडियो का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो खुद इसका लुत्फ उठा लेते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश से शायरी और कविता के लिए सिर्फ इतनी दूर सफ़र करके वो आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप का नाम ही आसपास की चीज़ों को प्रकाशमान करना, और प्रदीप रावत जी जो हैं हमारे, प्रदीप बत्रा जी जो हमारे विधायक हैं, वो इंतहाई मुखलिस और कविता और शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्तमश अब्बास और उनके दोस्तों ने और उनके रुकायकार को जो उन्होंने अपना स्नेह अपना प्यार दिया अपना सहयोग दिया वो भी लायक तहसीन है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो। और भटनागर जी और दीगर सारे लोग जो जिम्मेदारान हैं सबकी मोहब्बतें इसमें शामिल हैं। ये कविता और शायरी की महफिल है, जबानों का संगम है, दिलों को जोड़ने की गुफ्तगू होगी, यहाँ दिलों को जोड़ने का काम होगा। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आँखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत माहौल बनेगा रफ्ता रफ्ता, थोड़े सी इंतज़ाम, असल में कुछ ज़्यादा इंतज़ाम बद इंतज़ामी का सबब बन जाया करता है, लेकिन आज बड़ा खूबसूरत माहौल दिया है हमारे बत्रा साहब ने। इनकी मोहब्बत है, ये साहित्य से प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रोफेसर चिंतामणि जैसे लोग हैं जो साहित्य के लिए इतने दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, आपके बीच बैठेंगे पूरी रात, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और सारे जिम्मेदारान हमारे यहाँ हैं। कविता और शायरी का माहौल बनेगा। नदीम अहमद साहब जो मेरे ख्याल में गालिबन देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत मुनफरिद लहजे की शायरी। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है आपसे कि कविता और शायरी का एक खूबसूरत माहौल बना लें ताकि ये रात तारीखी बन जाए, ऐतिहासिक बन जाए, आप सबकी मौजूदगी भी इतिहास में दर्ज हो जाए। नदीम माइक पर हैं और ज़ोरदार उनका इस्तकबाल करें आप तालियों में ताकि वो खूबसूरत माहौल बना सकें। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, इजाज़त सर, तराने का एक बंद आपकी खिदमत पेश करता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल। इरशाद हो गया, आइए मैं मतला पेश करता हूँ मुलाजा कर। इरशाद इकबाल साहब, ए वतन प्यारे वतन, ए आँख के तारे वतन, क्या कहने, वाह 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 वाह, कौमी यकजहती का वाह, जश्न आज़ादी के उन्वान से एक मतला पेश करता हूँ। ए वतन प्यारे वतन, ए आँख के तारे वतन, आँख के तारे वतन, ए वतन प्यारे
अजमत पे गवा देंगे हम अपने जानो तन, हम अपने जानो तन है वतन प्यारे वतन आँख के तारे वतन, आँख के तारे वतन। बंद पेश करता हूँ मुलाजिम। क्या कहने नदीम, वाह वाह वाह। जिन शहीदों की बदौलत आज हम आजाद हैं, आज हम आजाद हैं, गांधी नेहरू और भगत सिंह अब भी हमको याद है, अब भी हमको याद है। बांध कर निकले थे सर पे जो कभी अपने कफन है वतन। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ए वतन प्यारे वतन रे आँख के तारे वतन, आँख के तारे वतन। एक मतला और पेश करता हूँ पूरी मुतवज्जो के, अगर अच्छा लगे और इस मिट्टी से मोहब्बत है तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। मतला पेश करता हूँ। खून की गर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे, खून की अगर जरूरत पड़ी तो पूरी फिर से जरूरत करेंगे, खून की अगर जरूरत पड़ी तो वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे। और तेरी हिफाजत करेंगे। ये भी शेर पेश करता हूं मुलाजा कर। हमने अखलाक की ढाल लेकर हमने किरदार से जंग जीती, हमने अखलाक की ढाल लेकर हमने किरदार से जंग जीती, हमने की है दिलों पर हुकूमत, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। मोहतरम जनाब प्रदीप पत्र साहब के हवाले से आप तमाम हजरात, वाह वाह, उर्दू के इस रुड़की सरजमीन के हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। हमने अखलाक की ढाल लेकर हमने किरदार से जंग जीती, हमने की है दिलों पर हुकूमत, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे। और ये शेर तमाम शुराए कराम के हवाले से आपकी नजर मुलाजा करें, पेश करते हैं इकबाल साहब। लाख पहरे बिठाए ये दुनिया, लाख जुल्म सितम हम पे ढाए। मेरा दोस्त अल्तमश अब्बास जिसने ये प्रोग्राम सजाया उसी के हवाले से शेर आप तक पहुंचाता हूं। लाख पहरे बिठाए ये दुनिया, लाख जुल्म सितम हम पे ढाए, कह दिया हमने जब तुमको अपना, मरते दम तक मोहब्बत करेंगे। बहुत अच्छा है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मरते दम तक मोहब्बत करेंगे, ऐ वतन तेरी की है हिफाजत और तेरी हिफाजत करेंगे।
اور یہ شعر بھی خاص طور سے کیا کہنے, واہ 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 واہ. اشک آنکھوں میں ہوں گے یقیناً, جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ لوگ ملاحظہ کریں, اور دل میں مسرت بھی ہوگی. کیا بات ہے, اشک آنکھوں میں ہوں گے یقیناً, اور دل میں مسرت بھی ہوگی جس گھڑی اپنے لخت جگر کو گھر کے آنگن سے رخصت کریں گے, جس گھڑی اپنے لخت جگر کو گھر کے آنگن سے رخصت کریں گے, اے وطن تیری کی ہے حفاظت, اور تیری حفاظت کریں گے. آخر شعر کے بعد اجازت, ان کو جنت ملے گی یقیناً, دیکھنا تم بھی محشر میں انور, ان کو جنت ملے گی یقیناً, دیکھنا تم بھی محشر میں انور, اپنے ماں باپ کی زندگی بھر جو بھی بیلوس خدمت کریں گے, اپنے ماں باپ کی زندگی بھر جو بھی بیلوس خدمت کریں گے, اے وطن تیری کی ہے حفاظت, اور تیری حفاظت. بہت اچھے بہت اچھے, جناب ندیم احمد کا کلام سماعت فرما رہے تھے, بہت اچھا کلام انہوں نے پیش کیا. شعور و فکر کے جوہر دکھا نہیں سکتے, سنہرے تار بدن پر سجا نہیں سکتے, شعور و فکر کے جوہر دکھا نہیں سکتے, سنہرے تار بدن پر سجا نہیں سکتے, جو کیڑے رینگتے رہتے ہیں نالیوں کے قریب وہ مر بھی جائیں تو ریشم بنا نہیں سکتے. ریشم بنانے کے لیے انسان کو حساس ہونا پڑتا ہے, اور شاعر اور کوی سے زیادہ حساس, میرے خیال میں لیکھک سے زیادہ حساس اس دھرتی پر کوئی پرانی نہیں ہے. آج ہمیں خوشی اس بات کی کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے بیچ ہیں شعر اور کویتا سنانے اور اپنی غزلیں اور گیت سنانے کے لیے, جو اپنے فکر کی بلندی سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. ان کی شاعری ان کا ہنر ہے, اور ان کا کلام ان کی زندگی کا آئینہ ہے. آپ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے. ہٹو کاندھے سے آنسو پوس ڈالو, وہ دیکھو ریل گاڑی آ رہی ہے, تمہیں میں چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا, غریبی مجھ کو لے کر جا رہی ہے. زندگی کی سچی نمائندگی غزل نے سفر شروع کیا تھا. حضرات میں بتانا چاہتا ہوں کہ غزل ریشم کے دھاگے میں انگاروں کو باندھ کے ہواؤں میں لہرانے کا ہنر ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے youtube.com/وقت میڈیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کرے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286.